नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कन्नौज कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्नौज जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि इस बार कन्नौज में 90% तक वोटिंग कराने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वीप के माध्यम से तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिस तरह से सभी ने मिलकर टीकाकरण का अभियान चलाकर इसको सफल बनाया, उसी तरह मतदाताओं को जागरूक करके इस बार कन्नौज में 90% तक वोटिंग कराए जाने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग जिले से बाहर रह रहे हैं वह वॉल पेपर के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। इस बार चुनाव को लेकर दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से ही व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को कोरोना की तीसरी डोज भी दे दी गई है, क्योंकि ड्यूटी के समय किसी को अगर कोई लक्षण आते हैं तो उसके से बच सके। ऐसे में पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है और जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं युवाओं को वोट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज की बैठक का उद्देश्य मुख्यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो नई गाइडलाइंस जारी की गई चुनाव के प्रचार के संबंध में रोड शो के बारे में, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को और पब्लिक में जो आयोग के निर्देश हैं उसको पहुंचाना। इसके अलावा क्योंकि अब हमारा चुनाव नज़दीक है, चुनाव में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आम जनता की भागीदारी बढ़े, वोटिंग का परसेंटेज हमारा बढ़े। उसमें जो सीट की गतिविधियाँ हम लोग चला रहे हैं उसके साथ साथ मीडिया के बंधुओं से भी मेरा यह अनुरोध करना उद्देश्य था कि आप लोग भी इसमें हमारे पार्टनर बनिए, इसमें सहयोगी बनिए और हमारे थ्रू आपके थ्रू चीज़ें गाँव तक जाएँ और गाँव के लोग प्रेरित हों कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिले और मतदाता को भी उसको मतदाता होने का गर्व हो। ये चीज़ें थी कि जिसका उद्देश्य था हमारा कि हम सबको प्रेरित करें कि अधिक से अधिक मतदान में शामिल हों। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।